देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें जिस न्यूज और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। सोनी टीवी के पॉपुलर गेम रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति में इस हफ्ते के करमवीर एपिसोड में जो समाज सेविका आने वाली हैं, उन्हें जल की देवी कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं अमला रुईया की। आज भारत ही नहीं दुनिया भर के कई देश पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। ऐसे में मुंबई की एक महिला ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से चेक डैम बनाकर राजस्थान के 100 से ज्यादा गांवों की तस्वीर बदल दी। सूखे से परेशान गांव के 2 लाख लोगों को डैम बनाने के बाद पानी मिलने लगा है और वो महिला जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया वो है अमला रुईया, जिन्हें उनके इस कारनामे की वजह से जल की देवी कहा जाता है। शो में अमला रुईया करमवीर कंटेस्टेंट के तौर पर नजर आएंगी। शो का प्रोमो वीडियो जारी कर दिया गया है। ये एपिसोड 27 सितंबर यानी कि शुक्रवार को टेलीकास्ट किया जाएगा। लेकिन ये एपिसोड देखने के पहले चलिए आपको बता देते हैं अमला रुईया कैसे बनी जल की देवी और कैसे उन्होंने पानी की किल्लत से जूझ रहे राजस्थान के गांवों की किस्मत पलट डाली। अमला राजस्थान के 1800 से ज्यादा गांवों की किस्मत बदल चुकी हैं। अमला को 1999, 2000 और 2003 के सूखे और अकाल ने झकझोर कर रख दिया था, जिसके बाद उन्होंने अकार चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। अमला ने वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से ढेरों चेक डैम बनाए जिन्होंने 2 लाख से ज्यादा लोगों की पानी की समस्या को हल कर दिया। अमला एक अखबार में खबर पढ़ने के बाद राजस्थान पहुंची थी। इस बदलाव की वजह से गांव वालों की लाइफ नए ट्रैक पर आ गई है। आज सभी गांवों की कुल सालाना आय करीब 300 करोड़ रुपए से ज्यादा तक है। ये कारनामा किया है मुंबई की रहने वाली सोशल वर्कर अमला रुईया ने। 1999-2000 में सूखे से परेशान राजस्थान के गांवों की खबर पढ़कर वे यहां आ गई और अपने चैरिटेबल ट्रस्ट की मदद से डैम बनाया। पानी मिलने के बाद अब यहां के किसान एक साल में 3-3 फसलें उगाने लगे हैं और घरों में पशुपालन का काम धंधा शुरू कर दिया है। रुईया ने अपना पहला प्रोजेक्ट मंदावर गांव में शुरू किया था। यहां उनके ट्रस्ट की ओर से बनाए गए 2 डैम से किसानों की आय एक साल में करीब 12 करोड़ रुपए तक पहुंच गई। इसके बाद वे राजस्थान के 100 गांवों में 200 डैम बनवा चुकी हैं। केबीसी के प्रोमो में अमिताभ ने सरकार की जारी की गई उस सूचना के बारे में भी बताया जो ये कहती है कि हो सकता है कि आने वाले वक्त में देश के 21 राज्यों के पास भूमिगत जल नहीं रहे। अमला देवी को जल देवी के रूप में जाना जाता है। अमला ने शो पर बताया कि बेंगलोर, अहमदाबाद और दिल्ली ये जीरो वाटर लेवल की तरफ बढ़ रहे हैं। अमला को करमवीर के रूप में दिखाने वाले इस एपिसोड को शुक्रवार को टेलीकास्ट किया जाने वाला है। अब अमला रुईया शो में कितनी राशि जीतती हैं, वो तो एपिसोड टेलीकास्ट के बाद ही पता चल पाएगा। अमला रुईया से पहले केबीसी 11 के करमवीर एपिसोड में सिंधुताई और राजस्थान की रूमा देवी जैसी महिलाएं भी नजर आ चुकी हैं, जिन्होंने समाज के विकास के लिए नई नींव रखी है। कौन बनेगा करोड़पति के इस सीजन में अब तक 2 लोग करोड़पति बन चुके हैं, जिसमें बिहार के सनोज राज और महाराष्ट्र के स्कूल में मिड डे मील बनाने वाली बबीता ताड़े का नाम शामिल है। दोनों ही कंटेस्टेंट ने अपनी सूझबूझ से 1 करोड़ तो जीत लिए, लेकिन सप्तकोटि सवाल पर क्विट कर दिया, जिस वजह से अब तक कोई भी ऐसा कंटेस्टेंट शो को नहीं मिला है जिसने कोटि की चोटी वाले सवाल का सही जवाब दिया हो और 7 करोड़ रुपए की धनराशि जीती हो। वहीं जियो जैकपॉट सवाल पर पहुंचने वाले कंटेस्टेंट के साथ एक शर्त ये भी होती है कि इस सवाल का जवाब देने के लिए किसी भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जिस वजह से हर कोई इस सवाल को खेलने से बचता है। HS न्यूज के लिए प्रीति राजपूत की रिपोर्ट। देश और दुनिया से जुड़ी हर छोटी और बड़ी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें HS न्यूज और किसी नोटिफिकेशन को पाने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें।